और हम लोग आज माननीय महामहिम से भेंट करने आए थे। यूं तो भेंट सौजन्य भेंट थी, छत्तीसगढ़ के विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चर्चाएं थीं, लेकिन मूल रूप से भेंट का उद्देश्य भी था। हम लोगों ने पिछले बजट सत्र में विश्वविद्यालयों के कुछ संशोधन विधेयक सदन में पारित किए थे और महामहिम राजभवन के दफ्तर में अभी वो आगे बढ़ नहीं पाया था, लंबित था। हम लोग आग्रह करने आए थे कि विश्वविद्यालयों में बहुत सारे अभी, हालांकि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कक्षाएं नहीं लग रही हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं, तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पर चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। सर, ऐसा लेकिन पहली बार हो रहा है क्या? देखा गया कि कोई भी मतलब राजभवन से जो है फाइलें काफ़ी देर में हो रहा है, मंत्री आ रहे हैं, ऐसा 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 कुछ नहीं है। महामहिम का भी सोचना है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, हायर एजुकेशन के विकास के लिए जो सरकार का सोच है, समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अभी परिस्थितियां बहुत सारी हैं, कई प्रकार की, कोविड-19 के चलते विलंब होने का स्वाभाविक कारण है, इसलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग केवल आग्रह और अनुरोध करने के लिए आए थे। मुझे लगता है कि इस मामले में अब कोई चर्चा की कोई बात नहीं है। दो दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, आदरणीय अकबर भाई ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ये सुनिश्चित जानिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी संसदीय सचिव आपको देखने को मिलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हम लोगों, उनके मंत्रिपरिषद के सभी साथियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई है। मैंने उस दिन भी कहा, नामों पे चर्चा हुई है, सहमति बनी है, और उसमें जो आवश्यकताएँ हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम है और प्रकार से, मुझे लगता है कि आदरणीय भैया धर्म कौशिक जी को बड़ी गलतफहमी है। ये वही मनरेगा है जिसको देश में यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था, आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम था। और जिस दिन पहली पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शपथ लिया, उस दिन मनरेगा के बारे में उन्होंने व्यंग कहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में मनरेगा हमारा अधिकार है, पॉपुलेशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के जनता को विकास के लिए पैसे मिलते हैं, वो हमारा अधिकार है। और किन कार्यों को हम मनरेगा से करेंगे, किन कार्यों को हम अपने मत से करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से सुझाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने का वक्त आ गया है। अगर किसानों के जेब में 53,000 करोड़ रुपया गया है, वो उनको नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डाक साहब को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, पूरे हिंदुस्तान में लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आरएसएस उसमें छत्तीसगढ़ में वो भी एक संस्था है, और ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जिन योजना को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से ग्रामीण विकास और कृषि के विकास में सारी योजनाएं बना रहे हैं, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो उसकी प्रशंसा ना करे। मैंने पिछली बार भी कहा था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब लागू किया गया और ये कोविड-19 के समस्या के समय, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त किया गया था कि संकट के समय किसानों के खाते में सीधी राशि कैसी डाली जा रही है। तो गोधन न्याय योजना का आरएसएस भी अगर सम्मान कर रही है और स्वागत कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रही है, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। थैंक यू। कि आप जो इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश है वो 12वीं के मार्क्स से हुए, क्या लगता है इस प्रस्ताव पर आगे आप लोग बढ़ेंगे? देखिए, एक सुझाव आया है और सरकार उस पर जल्द फैसला करेगी। एक विषय ये था कि रायगढ़ में जो कैश एंड लूट के मामले हुए थे, उसमें जो कंपनी है उसने जिसकी हत्या हुई थी उसको मात्र 10,000 रुपये दिया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, परिवार संकट में है, क्या मदद करेगी सरकार? आप भी अपनी ओर से कुछ? देखिए, ये बात मेरे तक पहुंची थी, मेरी कलेक्टर से बात हुई, उस कंपनी से बात हुई,
और टोटल जो इंश्योरेंस प्लस उस कंपनी का जो दे है वो सब मिला के अब उसको 17 लाख रुपए मिलेगा।